वेलकम टू IVA इंडियन व्हीकल अवार्ड्स 2023। आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं 2022 में लॉन्च हुई कई सारी बेहतरीन गाड़ियां। ऑल्सो हमारे साथ मौजूद है बेहतरीन ज्यूरी, जिनमें मौजूद हैं मिस्टर विवेक सैनी, मिस्टर ऋषभ अरोड़ा, मिस्टर आशीष मसीह, मिस्टर अमित खरे, खालिद आमीन एंड मिस्टर रणजॉय मुखर्जी, जो इस वक्त आउट ऑफ इंडिया हैं लेकिन हमारे साथ दुबई से लाइव जुड़ेंगे। आइए अब अपनी ज्यूरी से ही पूछते हैं क्यों वो इंडियन व्हीकल अवार्ड के साथ जुड़ना चाहे। शुरुआत करते हैं खालिद सर से। इन अवार्ड्स के साथ जुड़ने का सबसे जो अहम मकसद है वो यही है कि हम लोगों के सामने कुछ ऐसी गाड़ियों को ला पाएँ जो हमने बहुत ही आपस में बहस करके, एक दूसरे से लड़ के, लेकिन एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुँचे जो गाड़ी हर सेगमेंट में बेस्ट है, ताकि आपको भी ये जानकारी मिल पाए कि जब आप मार्केट में जाएंगे तो कौन सी गाड़ी आपके लिए सही रहेगी। मेरे हिसाब से अवार्ड से जुड़ने का सबसे बड़ा रीजन था कि यहाँ पर हमें एक आज़ादी थी अनबायस्ड ओपिनियन शेयर करने की, क्योंकि यह अवार्ड किसी ने भी स्पॉन्सर्ड नहीं किया है, इवन ना तो कोई एक्सेसरीज ब्रांड, और मैन्युफैक्चरर्स की तो बात ही नहीं उठती है। तो ये एक कम्प्लीटली ऐसा अवार्ड है जिसमें इस बार भी कोई स्पॉन्सर नहीं है और हमारे ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है अपनी बात कहने का, चाहे वह कितनी भी मीठी हो या कितनी भी तीखी हो, और इससे जुड़ के रियली मुझे अच्छा लगा। वेल, किसी भी अवार्ड का जो मेन चीज़ होती है वो थी जूरी, और जो यहाँ पे जूरी मेंबर्स हैं सारे के सारे अनबायस्ड हैं। ऐसे हमें जी ने भी बोला, हमने किसी स्पॉन्सरशिप नहीं मांगी जाके, क्योंकि हम चाहते थे अनबायस्ड रहना और चाहते थे कि आपको बेस्ट डिसीजन दे सकें कि कौन सी गाड़ी बेस्ट है आपके लिए। दैट्स द बिग रीज़न दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस जूरी। IVA की जूरी के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा और सबसे मेजर रीज़न मुझे ऐसा लगा इसकी वर्सेटाइल जूरी मेंबर्स की टीम। हर किसी का अपना वे है रिव्यू करने का या आप तक ओपिनियन पहुँचाने का, और सब हटके है और सब यूनिक है, और ये चीज़ मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पसंद आती है और मैन्युफैक्चरर्स भी अप्रिशिएट करेंगे जब उनकी मेहनत का उनको कहीं ना कहीं फल मिलेगा। ऋषभ ने बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे रखा, वर्सेटैलिटी। उसको थोड़ा सा अगर मैं और बोलूँ तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ थॉट ज़रूर है हमारे जूरी मेंबर्स में। सभी लोग अलग अलग टाइम जोन के हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से बिलोंग करते हैं, जो कि अब मिले हैं और सब ने अपने स्किल्स यहाँ पे अनबायसली दिखाई है। तो मुझे इसलिए इंडियन व्हीकल अवार्ड्स का पार्ट बनना काफ़ी, मेरे को लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ एकदम, और अमेजिंग जूरी मेंबर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं IVA इंडियन व्हीकल अवार्ड्स 2023 की पहली कैटेगरी की तरफ, दैट इज फुल साइज SUV ऑफ द ईयर 2023, एंड द नॉमिनीज आर तो गाइस, फुल साइज SUV ऑफ द ईयर 2023 के नॉमिनीज तो काफी स्ट्रांग थे, कंटेंडर काफी अच्छे थे, एंड फाइनली सभी जूरी मेंबर्स ने मिलके जो है वो एक सॉल्यूशन निकाला, और एक जो यहां पर फाइनली विनर है इस कैटेगरी की वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो N, जो कि एक्चुअली वो डिजर्व भी करती है। सबसे पहले मैं ऋषभ से पूछना चाहूंगा कि स्कॉर्पियो N में ऐसा क्या है जो उनको सबसे ज्यादा लुभाया, यहाँ पे फेवरेट बना? सी, सारी नॉमिनेशंस में से मेरी चॉइस स्कॉर्पियो N मेजरली इसीलिए आई, उसके इंजन ऑप्शंस। आपको बहुत रेयर होता है कि आपको पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन जो मिल रही है वो दोनों ही पावरफुल, दोनों ही कैपेबल और दोनों ही रिलायबल के साथ साथ रिफाइंड भी मिले। ट्रांसमिशन और इंजन का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन था, इसलिए मुझे लगा कि स्कॉर्पियो N इज द राइट चॉइस फॉर द फुल साइज SUV ऑफ द ईयर। वेल, द मेन रीजन व्हाई इट शुड विन द SUV अवार्ड इज सिंपली बिकॉज ऑफ इट्स एक्सीलेंट ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज। वैसे तो 99% बायर्स कभी यूज नहीं करते SUV की प्रॉपर कैपेबिलिटी, बट इन केस यू समवन हु एंजॉयज गोइंग आउट ऑन ऑफ रोड ट्रिप्स, अगर आप चाहते हैं गाड़ी को ले लद्दाख ले आना, कहीं पर भी ले आना ऑफ रोडिंग पर, तो दिस कार इज वेरी केपेबल। 4x4 सिस्टम जो इसमें है, बेहतरीन सिस्टम है, इनफैक्ट इतना अच्छा सिस्टम है कि अपने प्राइस से ट्वाइस या थ्राइस जो गाड़ियाँ आती हैं उनको भी आउट क्लास कर सकता है। सो दैट्स हाई रीजन व्हाई इट विंस द अवार्ड ऑफ द SUV ऑफ द ईयर। यह सच है कि जब SUV की बात आए तो स्कॉर्पियो से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसका रीजन है उसकी दमदार रोड प्रेजेंस, और इस रोड प्रेजेंस के दम पर स्कॉर्पियो इंडियंस के दिलों पर राज करती है। सड़क पर कहीं भी जाएगी एक बार लोग मुड़कर देखते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो N की बात आएगी तो लोग दो बार मुड़ के देखते हैं, और यही उसके लिए एक बेहतर अवार्ड भी है।
स्कॉर्पियो एन में जो महिंद्रा ने एक बहुत अच्छा एडिशन किया है वो ये है कि अब ये फैमिली फ्रेंडली गाड़ी भी हो गई है। एसयूवी वाले नेचर के साथ साथ इसकी तीनों सीटें अब फ्रंट फेसिंग है और एक बड़ी फैमिली, जैसे कि लोग आजकल सेवन सीटर पसंद कर रहे हैं एक्सटेंडेड फैमिली के साथ ट्रैवल करना, तो वो भी इसमें किया जा सकता है और ये इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट बन गया है। सो गाइस, मैं पूरी हद तक जो है वो सहमत हूँ इंडियन व्हीकल अवार्ड्स 2023 के जूरी मेंबर से। एंड ये नेशनल अवार्ड की जो कैटेगरी है, यानी कि एसयूवी, फुल साइज एसयूवी के अवार्ड्स की जो कैटेगरी है, वो जाती है स्कॉर्पियो एन की तरफ, एंड द विनर इज स्कॉर्पियो एन। तो आइए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, दैट इज आईवा इंडियन व्हीकल अवार्ड्स डिजाइन ऑफ द ईयर 2023, एंड द नॉमिनीज आर बारे में आपको बताएंगे ऋषभ अरोड़ा। अब डिजाइन एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें सबके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमें बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट मिले। हमने सबने, ज्यूरी ने डिसाइड किया कि ये अवार्ड डिजर्व करती है, द BYD ATO 3। लेकिन क्यों, ये शुरुआत करते हैं आशीष सर से। मैं पूछना चाहूंगा कि उनका क्या ओपिनियन है, प्लीज सर। वेल, आई थिंक इसका सिंपल एक रीजन ये था कि इसके जो लुक्स हैं बाहर से, वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स, कोई भी अगर बाहर गाड़ी को देखता है तो फर्स्ट चीज़ जो नोटिस करते हैं लुक्स हमेशा रहते हैं, और इस गाड़ी के जो लुक्स हैं बहुत ही हटके हैं। अंदर के लुक्स भी काफ़ी अच्छे, वो तो हम बाद में बताएंगे आपको, लेकिन जो एक्सटीरियर है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, बहुत ही आलीशान है। जैसे आप देखेंगे गाड़ी को, अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई दिस कार विंस दिस अवार्ड। BYD ATO 3 की सबसे बड़ी खासियत है उसकी एरोडायनामिक डिज़ाइन, और यह बहुत अच्छे से रोड पर ग्लाइड करती है। वजह, ड्रैग है नहीं, ऊपर से बॉर्न ईवी होने की वजह से इसमें स्पेस भी बहुत अच्छा निकल सकता है। सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है कि बॉर्न ईवी प्योर डिजाइन तैयार की गई है, और ड्रैग ना होने की वजह से सामने से भी आंखों में बहुत तसल्ली से उतरती है। यानी डिजाइन की बात अगर आई तो सच में BYD ATO 3 एक रियली गुड लुकिंग कार है। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। अब इसमें हम आगे ये कहना चाहेंगे कि इसका जो हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स है, वो ना सिर्फ उनका डिज़ाइन और लुक्स बहुत अच्छा है, यानी कि उसको आप कंपेयर कर सकते हैं लग्जरी गाड़ियों से, बल्कि उसकी उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो भी वही है जो आमतौर पे 1 करोड़ या 80 लाख की गाड़ी में होती है। अभी तक बाहर के यानी कि एक्सटीरियर्स की काफ़ी बात हो गई, इंटीरियर्स काफ़ी प्लश है इसका। और जब आप इंटीरियर्स के बारे में बात करते हैं तो वो ना केवल सेंटर कंसोल, स्टेयरिंग और वो पूरे सेटअप का, वो जो पूरा सेटअप आप देख रहे हैं डैशबोर्ड के पास में, काफ़ी इनोवेटिवली जो है वो डिज़ाइन की गई है। इसके बॉटल होल्डर्स हों तो वो कहीं ना कहीं जो है ना आपकी अटेंशन काफ़ी ग्रैब करेंगे, और आप ज़रूर बोलोगे कि इंटीरियर्स के मामले में एक नंबर है कार। थैंक यू एवरीवन, आप सबके पॉइंट्स बहुत वैलिड हैं, क्योंकि नॉमिनीज बहुत ज़्यादा थे और हमारे लिए इस मुकाम पर पहुँचना, इस डिसीजन पर आना बहुत मुश्किल हो गया था। अब सबके पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए इस व्हीकल को अवार्ड देने का मेरी तरफ से रीज़न ये था कि इंटीरियर में ही अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे, इसकी सीट्स बहुत ज़्यादा स्पोर्टी मटेरियल की तरह आपको देखने मिलेगी, और ऑफकोर्स जितनी भी बिल्ड क्वालिटी है उस पर भी काफ़ी काम अच्छे तरीके से किया गया है। तो हर जगह आपको डिज़ाइन एलिमेंट्स इंप्रेस करने वाले। दिस इज़ व्हाई वी हैव डिसाइडेड कि BYD ATO 3 को डिज़ाइन ऑफ द ईयर बिल्कुल मिलना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, दैट इज आईवा इंडियन व्हीकल अवार्ड्स स्मॉल ईवी ऑफ द ईयर 2023, एंड द नॉमिनीज आर इसके बारे में आपको बताएंगे आशीष मसीह सर। वेल, इस साल बहुत सारी स्मॉल ईवीज लॉन्च हुई। वेल, बहुत ज़्यादा तो लॉन्च नहीं हुई, लेकिन ऐसी भी है जिसे सबका दिल जीत लिया, सबसे अलग थी और बहुत ही इजी था इसको अवार्ड देना। कौन सी ईवी है? टाटा की टियागो ईवी क्यों जीती है बताएंगे आपको हमीद जी। थैंक यू आशीष जी। असली पॉइंट था इस कार को अवार्ड देने का, इसका रियली अफोर्डेबल होना। 8,49,000 से स्टार्ट हो जाती है, 12 लाख तक इसका टॉप एंड वेरिएंट आ जाता है, और एक अच्छी प्रैक्टिकल सिटी कार के को अफोर्डेबल होना बहुत जरूरी था, और इस वजह से यह कार रियली डिजर्व करती थी स्मॉल ईवी कैटेगरी में विनर होने का। हाँ, इसका अफोर्डेबल होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी रेंज के साथ इन्होंने कोई समझौता नहीं किया है। 315 की रेंज क्लेम कर रही है एक बार चार्ज में,
और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आप खरीदने जा रहे हैं, अगर आप सिटी कार के तौर पर भी ले रहे हैं तो आपका काम निकल जाना चाहिए। और इसके अलावा इसके मल्टीपल चार्जिंग ऑप्शन जो दिए हैं कंपनी ने, वो भी इसको एड ऑन करते हैं। गाइस, अक्सर मैं ये पैटर्न देख रहा हूँ कि टाटा जो है वो वेरिएंट्स में कोई समझौता नहीं कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो छोटे वेरिएंट से लेके ऊपर के वेरिएंट्स तक आपको ये ईवी ऑफर होते हुए नजर आएगी, जो कि आमतौर पर आपको ईवीज में नहीं मिलता है। इससे इसका रियल कॉम्पिटिशन जो है वो ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शन पे, यानी कि सीएनजी जैसी गाड़ियों के साथ में, पेट्रोल जैसी गाड़ियों के साथ में भी हो जाता है। एंड वो लोग जो डेली कम्यूट करते हैं उनके लिए भी एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन बनती हुई नजर आती है। जैसे कि तीन पॉइंट उठकर आए, अफोर्डेबिलिटी, रेंज और वेरियंट्स, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं किया गया और आपको बैटरी और मोटर की जो सेफ्टी है वो भी अच्छी मिली है, यानी कि IP67 रेटेड है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, तो आपको बेफिक्र होकर आप अपनी ईवी को चला सकते हैं। वेल, इन सब चीज़ों के अलावा दिस कार इज अ वेरी सेफ कार, इट्स बिल्ट ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, 4-स्टार की टेस्ट है, सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी के प्लेटफॉर्म की, विच मीन्स दैट जब भी अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस गाड़ी में जाएंगे कहीं पर भी, तो आप हमेशा सेफ एंड सिक्योर महसूस करेंगे। और ये सारे रीजंस हैं जो बनाते हैं टाटा टियागो ईवी को हमारी स्मॉल ईवी ऑफ द ईयर। लेट्स नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ कैटेगरी, दैट इज आईवा इंडियन व्हीकल अवार्ड्स 2023 हैचबैक ऑफ द ईयर, एंड द नॉमिनीज आर इसके बारे में आपको बताएंगे खालिद सर। थैंक यू पाकी। वैसे तो इंडिया में इस वक्त सब एसयूवी का जादू सर चढ़ के बोल रहा है लोगों के, लेकिन अभी भी इंडिया की सबसे फेवरेट कार है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, वो हैचबैक सेगमेंट है। अब इस सेगमेंट में बहुत मुश्किल था डिसाइड करना, लेकिन हम लोगों ने आपस में काफ़ी बहस करी, लड़ाइयाँ गई, और उसके बाद हम पहुँचे नतीजे पे कि जो इस साल की हैचबैक ऑफ द ईयर है वो है सिट्रोएन C3। क्यों है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं विवेक के पास। गाइज, अगर आप C3 की पोजीशनिंग देखेंगे तो वो तकरीबन 5,88,000 रुपए में वो कॉस्ट कर रही है उसका एक शोरूम, जो ना केवल मिड लेवल हैचबैक को यहाँ पे टारगेट कर रहा है, बट मिनी एसयूवीज, माइक्रो एसयूवीज के साथ साथ प्रीमियम हैचबैक्स को भी टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन के साथ में जब आती हैं गाड़ियाँ, तो कहीं ना कहीं वो पॉकेट फ्रेंडली लगती हैं और दर्शक उसे जो है वो ज़रूर यहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं। विवेक ने बिल्कुल सही बात बोली, वैल्यू फॉर मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि लुक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब कंपनी ने कुछ हटकर तो आपके लिए प्रेजेंट किया है, चाहे एक्सटीरियर लुक्स हो या उसकी एसयूवी प्रॉपर लुक और डायमेंशंस भी, अच्छा खासा व्हील बेस भी मिल जाता है, इसीलिए मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही विनर यहाँ पर साबित होता है। वेल, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज रीजंस, एक बड़ा रीजन इस गाड़ी को लेने का है, अगर आप चाहते हैं आपकी गाड़ी की पर्सनैलिटी सबसे अलग हो, क्योंकि देखिए आजकल हर गाड़ी एक जैसी लगती है रोड पर, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग दिखूं रोड पे, अलग दिखूं अपने नेबर रोड में, पड़ोसियों के बीच में मेरी गाड़ी अलग सी दिखे, तो इस गाड़ी में आपको ऑप्शंस मिलते हैं कस्टमाइजेशन के, और ये बहुत ही कम मैन्युफैक्चर है, बहुत एक दो मैन्युफैक्चर जो ऑप्शंस देते हैं आज के डेट में आपको। सो सिट्रोएन इज वन ऑफ द फ्यू हु गिव्स दिस ऑप्शन, एंड दैट्स वन बिग रीजन व्हाई यू शुड चूज दिस कार। एक्चुअली में C3 का अगर कोर पॉइंट की बात की जाए तो वह है उसका पावरफुल दमदार टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन, 1.2 लीटर, 110 PS की पावर, 190 Nm का टॉर्क, और यह इतना बेहतरीन है कि अपने सेगमेंट में कई को ओवरशैडो कर देता है परफॉर्मेंस के मामले में, और ये मेरा सबसे बड़ा रीजन था सिट्रोएन C3 को प्रेफर करने का। खालिद जी, क्या आप एग्री करते हैं इससे? तो ये सभी रीज़न आपने सुन ही लिए होंगे कि क्यों हमने इस गाड़ी को चुना हैचबैक ऑफ द ईयर। इसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि इसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया है, जो इसको ड्राइव करने में इजी बनाता है, और इससे आपका माइलेज भी बेहतर निकल सकता है। तो यही सारे रीजन थे जिसकी वजह से हमने इन्हें इस गाड़ी को ये अवार्ड दिया। लेट्स नाउ मूव ऑन टू द फाइनल एंड मेन कैटेगरी ऑफ आईवा इंडियन व्हीकल अवार्ड्स 2023, दैट इज कार ऑफ द ईयर 2023, एंड द नॉमिनीज आर आइए पूछते हैं अमित सर से। कार ऑफ द ईयर यानी वो कार जो सब पर भारी पड़ गई,
और ऐसी कार की बात आती है तो केवल एक ही कार थी जो एक्चुअल में एसयूवी है, हुंडई टुशन। बहुत सारे फीचर्स के साथ आती है और ये एक ऐसा रीजन था कि हमारी ज्यूरी एक झटके में एक मत से इस कार को वोट किया। तो इस गाड़ी को चुनने के बहुत सारे रीजन्स हैं। जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न लगा वो इसमें जो एडास के फीचर्स हैं। वैसे तो और गाड़ियों में भी ये फीचर्स आते हैं लेकिन इस गाड़ी में एडास के फीचर्स ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर पाते हैं अपनी डेली ड्राइविंग के दौरान। गाइस, टिस्सों का जो लुक है ना वो आपको काफी यहाँ पे पसंद आने वाला है। ना केवल फ्रंट से, वो प्रोपोर्शनलिटी डिजाइन भी की है रियर से भी। तो रियर में अगर आप देखेंगे तो वो स्लैंट्स आपको जो नजर आती हैं इल्यूमिनेशन की, वो एकदम इनोवेटिव डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को नजर आएगा। इनफैक्ट अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल भी देखें तो आपको एक काफी लंबी सी गाड़ी नजर आएगी जो काफी एरोडायनामिकली डिजाइन की गई है। काफी कट्स एंड कर्व्स इसके अंदर दिए गए हैं। किसी भी गाड़ी का एक मेजर एस्पेक्ट होता है उसका इंजन, और ट्यूसॉन में इंजन तो आपको काफी वर्सेटिलिटी के साथ मिल जाते हैं। इसका पेट्रोल इंजन नेचुरल एस्पिरेटेड बहुत ज्यादा रिफाइंड है और डीजल टर्बोचार्ज बहुत ज्यादा टॉर्की नेचर के साथ आता है। इसीलिए मुझे लगा ट्यूसॉन कार ऑफ द ईयर तो डेफिनेटली बननी चाहिए, और बाकी सबके पॉइंट्स तो है ही। बोला नहीं यार, सबने सारी बातें बता दी आपको, बट आई थिंक द बिगेस्ट फैक्टर्स जो गाड़ी को बनाते हैं बेहतरीन वो है कम्फर्ट। जो इस गाड़ी के हैं बहुत ही एक्सपेंसिव लगते हैं, जो इसका प्राइस है उससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इंटीरियर से ना सिर्फ सीट कंफर्ट की बात है बल्कि जो राइड कंफर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। आई थिंक इज द बेस्ट कार इन दिस प्राइस पॉइंट। कुछ लग्जरी कार्स को भी बीट करती है फॉर श्योर, कंफर्ट बोथ इन द सीट्स एज वेल एज द सस्पेंशन। ये सच है कि कार ऑफ द ईयर पूरे अवार्ड का एसेंस है, और यही रीजन है चाहे मेरे साथी खालिद, विवेक, ऋषभ, आशीष मछी और रनजॉय की राय बिल्कुल यही थी कि एक ही झलक में यह कार प्रॉपर कार ऑफ द ईयर के लिए डिजर्व करती है। मेरा पॉइंट जो था वो था इसकी लग्जरी फील, चाहे वो डिफ्यूज्ड एसी हो, अच्छे डिजाइन वाले सीट्स हो, कंफर्ट हो, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ हो, ये सारी चीज़ों ने मिलकर इस कार को रियली बेहतर कार बनाया है। और यही रीजन था कि पूरी ज्यूरी ने एक मत से टुशों को कार ऑफ द ईयर माना है। कॉन्ग्रेचुलेशन हुंडई, टुशो इज द कार ऑफ द ईयर 2023। कंग्रेचुलेशंस हुंडई टुशन फॉर विनिंग कार ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। जी हाँ, ये तो थे सिर्फ 5 अवार्ड्स। अभी और भी 7 अवार्ड्स बाकी हैं जो हमारे रिस्पेक्टेड ज्यूरी मेंबर्स के इंडिविजुअल चैनल्स पर आपको मिलेंगे, जिन्हें देखने के लिए आप सर्च कीजिए #iowa2023। सभी विनर्स को आईवा की तरफ से बहुत बहुत बधाई। मुलाकात होगी अगली बार नए जोश के साथ आईवा 2024 में।